नमस्कार दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं इंदौर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर कजलीगढ़। इंदौर से निकलते हैं ही हम भोरकुआं जाते हैं। भोरकुआं से खंडवा रोड होते हुए सिमरोल होते हुए कजलीगढ़ के लिए जाते हैं। सिमरोल से हम उल्टे हाथ की तरफ सिमरोल गांव के बीच में से मुड़ते हैं, जहां पर कजलीगढ़ आता है। यहां पर एक चेक पोस्ट आता है। यहां कुछ दिशा निर्देश लिखे गए हैं। यहां दो पहिया चार पहिया वाहनों की गिनती की जाती है और उनसे शुल्क भी लिया जाता है। फिर यहां से कुछ ही दूरी पर जाने पर कजलीगढ़ का सुंदरम दृश्य आता है। यहाँ की छटा अपने ही आप में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर बंदर भी बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मुंह के बंदर, काले मुंह के बंदर। यहाँ पर पड़ोस के ग्रामवासी दुकानें भी लगाते हैं, जहाँ पर आप भुट्टो और अन्य चीज़ों का लुत्फ ले सकते हैं। पर्यटक भी यहाँ काफ़ी मात्रा में आते हैं। और यहाँ से उल्टे हाथ पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर कजलीगढ़ महादेव जी का मंदिर है। एक मंदिर ऊपर बना हुआ है, पर जो कजलीगढ़ महादेव जिससे फेमस है वो मंदिर नीचे है। आइए हम आपको उस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। महादेव जी का एक मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें नंदी महाराज नाग महाराज भी स्थापित कर रखे हैं। यहाँ से चलते हैं हम कजलीदेव महादेव के दर्शन करने। यहाँ पर उल्टे हाथ पर बाल हनुमान जी का मंदिर भी है, सीधे हाथ पर माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। अब चलिए यहाँ से करीब करीब 115 सीढ़ी उतरकर आप कजलीगढ़ महादेव जी के दर्शन करने आते हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी सी खड़ी हैं, आपको सावधानी से उतरना होगा और बहुत ही सुंदर परिदृश्य यहाँ से नज़र आता है। सीढ़ी उतरने के बाद आप सामने देखेंगे एक बहुत ही मनमोहक झरना, जिसकी कलकल आवाज हमें बहुत ही आनंदित करती है। और यहीं पर है विराजित श्री कजलीगढ़ महादेव। कहते हैं ये तिल तिल करके रत्ती रत्ती भर करके हर साल बढ़ते हैं और ये स्वयं वो महादेव हैं। इस गुफा के दर्शन करने पर लोगों को बाबा अमरनाथ जी की याद आ जाती है।
श्रद्धालुगण यहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा से आते हैं और अपना पूजन पाठ करते हैं। अब देखिए आप कजलीगढ़ के मनोहारी झरने, जंगल, खाई, पहाड़, यहाँ के स्थानीय व्यवस्थापक श्री पाटिल साहब जी हैं, वो आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मैं ये मंदिर पर सन 1998 से कंटिन्यू आता हूँ। कजलीगढ़ महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं व्यवस्था थी, पूरा जंगल था, उतरने को भी पूरा रास्ता सपानी था। उसके बाद में फिर धीरे से नीचे प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है, ऑटोमेटिक स्वयंभू बैठे हुए हैं। पहले वो मूर्ति छोटी थी, वो मूर्ति दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाती है। और यहाँ पे शिवरात्रि पे प्रतिवर्ष फलहारी खिचड़ी का भंडारा होता है, 55 कुंटल खिचड़ी बनती है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, हर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। उसके बाद में सन 2006 में दो चबूतरे का निर्माण करवाया, सन 2009 में प्राचीन महादेव मंदिर का गेट बनवाया, उसके बाद 2013 में माता जी की स्थापना करी, मंदिर बनवाया, 2017 में हनुमान जी का मंदिर बनवाया, उसकी स्थापना करी, 2020 में यहाँ की इंटरलॉकिंग करवाई, यहाँ पर ऊपर किला है, मांडू के राजा बाज बहादुर का किला था, उनके घोड़सवार यहाँ पे रहते थे, आजकल तो खंडर में तब्दील हो गया है। नीचे उत्तर मंदिर के पास में एक बावड़ी है, बावड़ी के पास में प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है।